हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल मून व्लॉग्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज हमारा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है हमारे चैनल पे और वो मोटो व्लॉग होने वाला है। आपको थंबनेल और टाइटल से पता ही चला होगा हम कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ, अभी हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं मोटो व्लॉग पर। चलो चलते हैं, पहले हम अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम भी बाइक को स्टार्ट करेंगे। A few moments later. तो गाइस, अभी हम पेट्रोल पंप से आ चुके हैं और हम जा रहे हैं वेदना मार्केट की तरफ। वीडियो को एंजॉय कीजिए और लास्ट तक देखना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सुबह का टाइम है और आप देख सकते हो भीड़ कितनी है। आगे चलते ही आपको वेदनाग मुगल गार्डन की एंट्रेंस दिखेगी। हाँ, वेदनाग गार्डन जाने का रास्ता है। तो अभी हम वेदनाग से बाटाकुंड आ चुके हैं। तो बाटाकुंड से कुकानाग तक लिंक रोड है। तो हम बाटाकुंड रोड के टॉप पर पहुंच चुके हैं और यहां से रास्ता जंगल के बीच से जाता है। तो आप देख सकते हो यहां पर पेड़ कितने खूबसूरत है और रोड कितना अच्छा है और यहां पर बर्फ थोड़ी थोड़ी अभी भी मौजूद है। तो आप देख सकते हो यहाँ से व्यू कितना प्यारा आ रहा है। आप व्यू पे बने रहे हैं। ये देखो भाई, हमारे दूसरे व्लॉग है। तो आप राइट साइड से देख सकते हो जो कि यहाँ का फेमस गार्डन कुकरनाग है, जो बहुत फेमस है। One hour later. पास पहुँच गए। आप नज़ारा देख सकते हो यहाँ का, कितना खूबसूरत है। ये फ्रिंग यहाँ से रहती है। तो चलो चलते हैं और आपको सिंक होल दिखाते हैं जो रिसेंटली फ्रिंगी में हुआ था। रात का आप इंतज़ार कर रहे थे, ये देखो यहाँ पर सिंक होल हुआ था और यहाँ का सारा पानी उसमें जाता है और सिर्फ 10% नीचे जा रहा है। ये आप देख सकते हो सारा पानी। हाँ भाई, आप बताओ ये कैसे हुआ? 11 फरवरी को ये यहाँ पे हुआ था विद इन 3:15 पे। तो आज इसमें पूरा एक महीना हुआ है। तो अब जब गवर्नमेंट ने इसमें सेटअप लिया था, थोड़ी सी फिलिंग ही हुई इसमें। तो अब जो पानी का बहाव ऊपर से आया वो बढ़ता जा रहा है। अब पानी जो था वो नीचे की तरफ जा पड़ा है। बस आपके सामने आप देख सकते हो फिर ये यहाँ पे क्या है। One hour later. आप सोच रहे होगे कि वीडियो की एंडिंग घर में क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी कुकानाग में ही डेड हो गई थी, इसलिए वीडियो की एंडिंग घर में बनानी पड़ी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।